हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं कौन कौन सी मिश्र धातुएं प्रमुख मिश्र धातुएं होती हैं और वो किस चीज़ से बना होता है, उस कौन कौन से एलिमेंट के बने होते हैं। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जनरल साइंस से कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं साइंस वाले टॉपिक से। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले पीतल, पीतल ब्रास जिसको कहते हैं। तो पीतल किसका बना होता है? कापर और जिंक का। कापर और जिंक से क्या बनता है? पीतल, ब्रास जिसको बोलते हैं। तो पीतल किससे बना हुआ होता है? कापर और जिंक से। कापर जिंक से पीतल। उसके बाद कांसा जिसको ब्रॉन्ज बोलते हैं। कांसा किसका बना होता है? कापर और टिन से। कापर और टिन से Cu+Sn कापर बना होता है। देखिए पीतल बना होता है कॉपर और जिंक से, कांसा बना होता है कॉपर और टिन से। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर किसका बना होता है? कॉपर जिंक और निकल से। कॉपर जिंक और निकल से जर्मन सिल्वर बना होता है। कॉपर जिंक और निकल। रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड किसका बना होता है? कॉपर और एल्युमिनियम का। रोल्ड गोल्ड कॉपर और एल्युमिनियम का। गन मेटल, गन मेटल किसका बना हुआ होता है? गन मेटल किस चीज़ का बना होता है? गन मेटल जो मिश्र धातु है वो किस चीज़ का मिक्सचर होता है? तो कॉपर जिंक और टिन का। कॉपर जिंक और टिन का। डेल्टा मेटल, डेल्टा मेटल किसका बना होता है? डेल्टा मेटल मिश्र धातु में क्या क्या मिला हुआ होता है? कॉपर जिंक और आयरन। डेल्टा मेटल में कॉपर जिंक और आयरन। मुंज मेटल, उसके बाद मुंज मेटल, मुंज मेटल में क्या मिला होता है? कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक मुंज मेटल में मिला हुआ होता है। डच मेटल, डच मेटल किसका मिश्र धातु होता है? उसमें क्या मिला होता है? तो कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक। मोनल मेटल, मोनल मेटल किसका बना होता है? कॉपर और निकल का। मोनल मेटल कॉपर और निकल। निकल। टांका, सोल्डर जिसको बोलते हैं। टांका किसका बना होता है? टिन और लेड का। टिन और लेड का। रोज मेटल, रोज मेटल, रोज मेटल बना होता है बिस्मुथ लेड और टिन का। बिस्मुथ लेड और टिन का। Bi+Pb+Sn। उसके बाद मैग्नीलियम, मैग्नीलियम, मैग्नीलियम किसका बना होता है? एल्युमिनियम और मैग्नीज का। एल्युमिनियम और मैग्नीज का। Al+Mg का। ड्यूरेलुमिन, ड्यूरेलुमिन किसका बना हुआ होता है? एल्युमिनियम कॉपर मैग्नीशियम और मैग्नीज का। ड्यूरेलुमिन, ड्यूरेलुमिन मिश्र धातु जो है वो एल्युमिनियम का, कॉपर का, मैग्नीशियम का और मैग्नीज का बना हुआ होता है। उसके बाद टाइप मेटल, टाइप मेटल किसका बना होता है? लेड, लेड का बना होता है। और एंटीमोनी, एंटीमोनी और टिन का बना हुआ होता है। तो टाइप मेटल Pb+Sb+Sn का बना हुआ होता है। उसके बाद पीतल देख लीजिए। पीतल तांबा और जिंक का अभी हमने बताया। स्टील इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टील किसका बना होता है? लोहा और कार्बन का, Fe+C का। स्टील किसका बना होता है? लोहा और कार्बन का। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील किसका बना होता है? लोहा, निकल, क्रोमियम। लोहा, निकल, क्रोमियम, Fe+Ne+Cr। लोहा, निकल और क्रोमियम का स्टेनलेस स्टील बना होता है। स्टेनलेस स्टील बना होता है। टांका बता ही दिया, सीसा और टिन का बना होता है। Pb+Na लेड प्लस टिन का बना होता है। सीसा और टिन का बना होता है टांका। उसके बाद कांसा बता ही दिया, तांबा और टिन का बना होता है। ये ड्यूरालुमिन ये भी बता दिया, एल्युमिनियम का। कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज का बना हुआ होता है। जर्मन सिल्वर ये बहुत महत्वपूर्ण है, जर्मन सिल्वर। तांबा, निकल और जिंक। तांबा, निकल और जिंक Cu+Ni+Zn। तो इसमें कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है? एक ये महत्वपूर्ण है, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील किसका बना होता है? तो लोहा, निकल और क्रोमियम। लोहा, निकल, क्रोमियम।
एफ ई प्लस एन आई प्लस सी आर, ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद ये जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर किस चीज़ का बना हुआ होता है, मिश्र धातु कौन कौन से एलिमेंट के बने होते हैं, तांबा निकल और जिंक। तो इसको एक दो बार पढ़ लेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत, ये टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे ये जर्मन सिल्वर दे देते हैं, इसमें कौन से किस एलिमेंट का ये बना होता है, तो तांबा निकल ऐसे नाम दे देते हैं, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछेंगे। तो आशा करते हैं कि आप इसको एक दो बार पढ़ लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।